अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मायानाज अदाकारा शगुफ्ता एजाज के मुतल्लक आप लोग तो जानते ही होंगे। शगुफ्ता की दो शादियों के मुतल्लक आज की इस वीडियो में बताएंगे। पहले शोहर ने शगुफ्ता एजाज को तलाक क्यों दी, शगुफ्ता एजाज ने दूसरी शादी किसके कहने पर की, मुकम्मल तफसीलात बताएंगे आज की इस वीडियो में। बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, 80 की दहाई की बात है जब शगुफ्ता एजाज स्क्रीन पर आई। शगुफ्ता एजाज ने बहुत ही कम उम्र में एक ब्राज़ीलियन शख्स के साथ पहली शादी की, जिसमें से शगुफ्ता एजाज की दो बेटियाँ भी हैं। शगुफ्ता एजाज की पहली शादी महज 3 साल रहने के बाद ख़त्म हो गई थी। शगुफ्ता एजाज ने अपने बच्चों के हमराह अकेले ज़िंदगी बसर करने का फ़ैसला किया तो उनकी पहली मुलाकात यहया सदीकी, जो कि शगुफ्ता एजाज के अब भी शोहर हैं, उनकी तरफ से उनको पहला शादी का प्रपोजल मिला जो शगुफ्ता एजाज ने रद्द कर दिया। शगुफ्ता एजाज के मुताबिक यहया सदीकी इस कदर शगुफ्ता के पीछे पड़ गए थे कि शादी के अलावा वो नहीं रह सकते थे। आखिरकार 2 साल की अनथक मेहनत के बावजूद यहया सदीकी ने शगुफ्ता एजाज को शादी के लिए मना लिया और सन 1999 में शगुफ्ता एजाज ने दूसरी शादी यहया सदीकी से कर ली। शगुफ्ता एजाज के मुताबिक उनके दूसरे शोहर से भी उनकी दो बेटियाँ हैं और उनको कभी बेटे की ख्वाहिश ही नहीं हुई। तो नाजरीन, आपको शगुफ्ता एजाज की दोनों शादियों के मुतल्लक जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।